हेलो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दोज हु ऑल आर न्यू, माय नेम इज सोनम राजपूत एंड आई मेक वीडियोस ऑन मेकअप, ट्रैवल, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मच मोर. बाहर या फिर हमारे नेबर में पता नहीं कोई शादी है या फिर कोई फंक्शन है, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा शोर आ सकता है. बट इग्नोर दैट, क्योंकि मैं सभी वीडियोज में वॉइस ओवर नहीं करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बोरिंग हो जाती है उससे. In today's video, I am going to share my everyday or you can say 5 minutes everyday makeup routine. या फिर मैं कहीं लेट हो रही होती हूँ तो मैं कैसे मेकअप करती हूँ विद इन 5 मिनट्स. सो आई टेल यू माई मेकअप रूटीन एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो. तो डेली मेकअप में हम बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं करते हैं. ऑफकोर्स डेली मेकअप में हर कोई बहुत लाइट वेट चीज़ें यूज़ करता है ताकि हमारी स्किन पे कुछ हैवी फील ना हो और वो थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा और सीमलेस सा फिनिश दे, केकी ना लगे, ग्रे ना पड़े. सो हाँ, मैं भी जब ऑफिस जाती हूँ सो व्हाट आई डू इज़ टू यूज़ वेरी वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स. आई एम गोना शेयर माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स फॉर एवरीडे लुक. मैंने अपना स्किन प्रेप वैसे कर रखा है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ माय मेकअप. एंड सबसे पहले तो स्किन केयर के बाद ज़रूरी है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मेकअप, मतलब कि एक मेकअप और हमारे स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट करना. एंड फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू यूज़ अ प्राइमर. मैं डेली मेकअप में कभी सिलिकॉन बेस रोज नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो पोर्स को क्लॉक कर देता है, इसकी वजह से फिर बाद में एक्ने वगैरह हो सकते हैं. क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप डेली कर रहे हैं मेकअप सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड यूज द प्रोडक्ट वाइसली, तो ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे. एंड यहाँ पे मेरे थोड़ा सा पिंपल आ चुके हैं सो इग्नोर दैट एज वेल. ठीक है समरिया, इसका टेक केयर अभी मैं कर रही हूँ. आई यूज हाइड्रेटिंग प्राइमर बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस कि मेरी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आई यूज क्रीमी बेस क्योंकि मुझे डेली मेकअप में ना बहुत ज्यादा ड्यूई इफेक्ट चाहिए होता है, जो मेरा मेकअप नेचुरल और ड्यूई सा लगे, ऐसा ना लगे कि थोपा हुआ है. सो या अपने जहाँ पे भी हमारे ज्यादा पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारा टी जोन एरिया और अपने यहाँ अराउंड द माउथ. वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है बट हाँ, क्योंकि मैं आपको ये सब कुछ बता बता के शो करके लगा रही हूँ अपना मेकअप, सो ये वीडियो शायद लंबी हो जाए थोड़ी सी. तो ऐसा मत समझना कि 5 मिनट्स बोल के 10 या 15 मिनट की वीडियो बना दी. बात तो सही है. सो नहीं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको बता बता के सब कुछ लगाऊंगी. नॉर्मली जब मैं यूज़ करती हूँ सुबह जल्दी में होती हूँ तो ऑफकोर्स उसको 4 या 5 मिनट मैक्स लगते हैं. आई डोंट यूज़ फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस. जो भी मेरे थोड़े से पिगमेंटेड एरियाज, वैसे मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो आई डोंट यूज़ फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस एंड द करेक्टर एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपो पिगमेंटेशन मेरे नहीं है इस फेस पे, ना ही मेरे अंडर आई पे. तो मैं क्या करती हूँ, एक बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर नहीं, अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ या फिर एक शेड लाइट कंसीलर लेके उसको अप्लाई कर देती हूँ अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पे. यहाँ पे जो मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम मेबेलिन, दिस इज इन द शेड 28 आई गेस और 25, आई डोंट नो, आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन. इसको सिर्फ अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगाएंगे जहाँ पे भी हम हाईलाइट करते हैं अपने स्किन को, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना, जस्ट द इनर कॉर्नर्स ऑफ योर आईज, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे, थोड़ा सा लिड पे एंड थोड़ा सा फोरहेड पे, थोड़ा सा अपने चिन पे भी लगाऊंगी, अपने माउथ पे और जहाँ पे मेरे एक्ने स्पॉट्स ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो मैं वहाँ पे भी लगा लेती हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. ये वेट नहीं है, इसमें से कोई भी पानी की ड्रॉप नहीं निकली, दिस इज ऑल डैम्प. इसकी हेल्प से अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे. नाउ आपको मैंने क्यों बोला कि आप लाइट कंसीलर मत लगाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर लगा दोगे विदाउट कलर करेक्टिंग योर स्किन तो वो आपकी स्किन को थोड़ी देर बाद ग्रे कर देगा. तो आई यूज़ दिस ओनली ऑन द हाइएस्ट पॉइंट. ये वीडियो में भी थोड़ा वाइट सा लग रहा है बट इन रियल इट इज़ एग्जैक्ट माई शेड, क्योंकि शायद से लाइट्स ऑन है हर तरफ से, शायद इसलिए लग रहा है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ द एग्जैक्ट शेड ऑफ माइन. जहाँ पे भी हमने लगाया था सबको अच्छे अच्छे से ड्रैग नहीं करना है, अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड करेंगे. जो ये मेरे एक्ने स्पॉट्स है ये बहुत ज़्यादा छिपेंगे नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स ये मीडियम टू हाई कवरेज वाला है एंड आई जस्ट वांट दैट मीडियम कवरेज कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगे, एट द सेम टाइम ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है. जो इसमें लेफ्ट ओवर है उसी को अपने पूरे फेस में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे.
नेक पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी मैं। नाउ मेरी स्किन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया, बहुत ज़्यादा सीमलेस सा फिनिश आ रहा है। अभी भी मेरे थोड़े से फ्लॉज जो है स्किन के वो दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना थोड़ा सा नेचुरल सा इफेक्ट दे देते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हाँ भी मेकअप लगा रखा है। डेली मेकअप में वी डोंट वॉन्ट दैट हाई कवरेज, दैट इज ऑल आई डू ऑन माई डेली बेसिस। नाउ आई एम गोना सेट एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने पाउडर ब्रश के थ्रू, मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, ताकि ये क्योंकि ना फिर ये इससे एक्सेसिव पाउडर नहीं लगता, जिससे हमारी स्किन बाद में ड्राई होने लग जाती है। इससे बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में आपका कॉम्पैक्ट आपकी स्किन पे लगता है, एंड यू कैन सी मैटिफाई सा इफेक्ट भी आ गया। इससे थोड़ी सी कवरेज भी आ जाती है कॉम्पैक्ट से, एंड सब कुछ अच्छे से सेट भी हो जाता है। वहाँ पे ज़रूर सेट करना जहाँ पे आपको पता है कि आपका ऑयल प्रोड्यूस होता है, जहाँ से आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट ऑल ओवर माय स्किन। You can see how beautiful my base is looking, absolutely gorgeous. Real life में देख के पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा minimal product use किए गए हैं, and it is looking absolutely no makeup makeup वाला look आ रहा है। Now eyebrows की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, but बिल्कुल हल्के हाथ से, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा इनको fill कर लूँगी मैं। अब वैसे बाय द वे दिस पेंसिल इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाती है, एंड यू कैन सी हाउ नेचुरल माय ब्राउज आर लुकिंग। मुझे अच्छी लगती हैं थोड़ी थिक ब्राउज ना, क्योंकि जब हम कहीं जा रहे होते हैं या लेट हो रहे होते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि अलग से ब्लश लगाएं, अलग से ब्रॉन्जर लगाएं, अलग से हाइलाइटर लगाएं। वैसे ऑन डेली बेसिस आई डोंट रियली डू कॉन्टोर वाला पार्ट, मैं सिर्फ कुछ ऐसा पैलेट लेती हूँ, फटाफट एक ब्रश से ही हल्का सा ब्रॉन्जर कर लेती हूँ, कॉन्टोर नहीं करती हूँ, जस्ट हल्का सा ताकि एक वार्म सा लुक आए, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं, ताकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल सा लगे। उसी ब्रश से ये ब्लश वाला शेड, ये ब्लश वाला क्या बोल रही हूँ, ये ब्लश, अरे कहना क्या चाहते हो, ब्लश वाला शेड लूंगी एंड उसको अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा लिफ्टेड इफेक्ट के लिए, थोड़ा सा सिर्फ चीक बोन्स पे अबव की साइड लगा रही हूँ, यहाँ नहीं लगा रही, जो लेफ्ट ओवर है उस पर नोज पे और अपनी चिन पे लगाऊंगी, और इसी में जो ये हाइलाइटर है इसी ब्रश से वैसे लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं चाहिए, तो मैं इसी से लगा लेती हूँ ताकि नेचुरल सा लुक आए। छोटा सा ब्रश लूंगी, उससे हाईलाइट करूंगी अपने आईज के इनर कॉर्नर्स को, ताकि हमारी आईज थोड़ी सी बड़ी लगे, और अपनी ब्राउ बोन्स को। इस वाले स्टेप को लिटरली 30 सेकेंड्स लगते हैं तीनों चीज़ें करने को, ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है इन तीनों को लगाने के। एक पैलेट बहुत अच्छा है, वैसे ये पैलेट है पर्पल का, ऐसे ही सेम पैलेट शुगर का भी आता है एंड मार्स का भी आता है। वैसे मेरा फेवरेट पार्ट है आईलाइनर लगाना, मैं आईलाइनर के बिना कहीं भी बाहर नहीं जाती हूँ। इसके बाद मैं फटाफट लगाती हूँ अपना आईलाइनर और अपना मस्कारा। आईलाइनर और मस्कारा के साथ तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है ना, मैं तो मस्कारा और आईलाइनर के बिना बाहर कदम भी ना रखूं। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो मस्कारा आईलाइनर के बिना बाहर नहीं जाते मेरी तरह, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मस्कारा इज डन, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल माय आईज आर लुकिंग। यहाँ पे मैं फटाफट से आईलाइनर भी ड्रॉ कर लूंगी, वैसे दिस इज फ्रॉम NYP, आप कोई सा भी आईलाइनर यूज कर सकते हैं, एंड बहुत ही पतला सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी। थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी, इनर कॉर्नर्स पे लगाने के बाद ना आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती हैं। यू कैन सी हाउ शार्प माय आईलाइनर इज लुकिंग। मुझे ऐसा शार्प आईलाइनर काफ़ी पसंद है, क्योंकि मेरी आंखें छोटी हैं तो इससे मेरी आंखें काफ़ी बड़ी लगती हैं, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। अब मैं लगाऊंगी कोई सी भी अपनी लिपस्टिक। वैसे ऑन डेली बेसिस आई रियली लाइक टू यूज़ न्यूड लिपस्टिक्स, तो मैं ये लिप पैलेट का ये वाले जो शेड्स हैं इसके न्यूड से उनको अप्लाई करती हूँ।
दिस पैलेट इज फ्रॉम मार्स. मैं वैसे यूजुअली एक शेड नहीं लगाती हूँ, मैं कम से कम दो या तीन शेड मिक्स करती हूँ ताकि वो ऑम्ब्रे का इफेक्ट आए. मैंने ये न्यूड शेड लगा लिया है. अब मैं इसके सेंटर में ना एक लाइट सा पीच सा शेड लगाऊंगी. सो या दैट वॉज इट अबाउट माई एवरी डे 5 मिनट मेकअप रूटीन. जो द मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आईलाइनर में गड़बड़ हो जाए ना ऐसी, तो फिर 6-7 मिनट तक चला जाता है. क्योंकि मैं रोज करती हूँ तो यूजली मेरा 4-5 मिनट में आराम से हो जाता है. एंड येस, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप जल्दी मेकअप कर पाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल दैट यू नीड फॉर योर डेली मेकअप रूटीन. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. एंड इफ इन केस यू वॉन्ट टू परचेज एनी ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई हैव मेंशन्ड इन द वीडियो, यू कैन चेक ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट. एंड ऑल्सो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड लाइक माई कॉन्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच अदर वीडियोज एज वेल. I have shared so many helpful and informative videos on my channel, so do not forget to check them out. And yeah, till the next video, mein tab tak ke liye, bye.